और वहां से दीपक चौधरी हमारे साथ हैं। दीपक जी नमस्कार, कौन सा शेयर है सर आपके पास और क्या सलाह चाहिए? मतलब मेरे कहने से होल्ड कर सकते हैं अपन। यस बैंक, हाँ आपने कब लिया दीपक जी शेयर? ये 1 महीने पहले। हाँ 1 महीने पहले, 1 महीने पहले 20 का भाव था और अब है 23.5 रुपये का भाव यस बैंक का। चूंकि छोटे साइज का शेयर है, क्वांटिटी बहुत बड़ी नहीं है, मुनाफा सीमित है, लेकिन ये है कि हाँ मुनाफा हो रहा है यस बैंक के शेयर में। अगर मुनाफा हो मतलब छोटी मोटी बात नहीं है। हालांकि कुछ अच्छी अच्छी चीज़ें हुई हैं यस बैंक के साथ। हमने देखा था कि लास्ट ईयर की शुरुआत में ये शेयर इसी भाव के आसपास था, 21 के आसपास था, फिर वहाँ से प्रॉफिट टेकिंग आई। अब हम देख रहे हैं कि थोड़ी सी चीज़ें अच्छी ये हुई हैं कि इन्होंने एक अपना एनपीए पोर्टफोलियो जो बेचा था उससे रिकवरी हुई है करीब करीब 150 करोड़ रुपए के आसपास की, वो अच्छी चीज़ हुई है। और अगर हम इसके मार्केट कैप की बात करें तो धीरे धीरे चढ़ के अब ये 70,000 करोड़ रुपए के आसपास की मार्केट कैप वाली वाला बैंक हो गया येस बैंक। गौरांग सर, येस बैंक आपको लगता है कि क्या इतने पॉजिटिव ट्रिगर्स हैं और इसके येस बैंक की शेयर को यहाँ से भी ऊपर ले जाएंगे, या फिर इसमें स्ट्रेटजी ये होनी चाहिए कि प्रॉफिट आए तो उसको वसूल लेना चाहिए, फिर इंतजार करना चाहिए लोअर लेवल्स पे एंट्री करने का? अभिषेक, पहली बात तो ये है कि इस पर कवरेज निकाल दी है हमने। पहले कवरेज थी, जो मैनेजमेंट पहले मैनेजमेंट को लेकर के दिक्कतें आई और जो भी खराब खबरों के दौर से गुजरा और जो गिरावट हमने देखी, तो हमने हमारी कवरेज निकाल दी है। पहली बात। दूसरी बात, मैं ये बिल्कुल मानता हूं कि यस बैंक के तुलना में वित्तीय क्षेत्र में, सरकारी बैंकों में और निजी क्षेत्र में बैंकों में और भी मजबूत बैंक्स हैं जहां पर आप जी ध्यान दे सकते हैं और निवेश कर सकते हैं। ये शेयर जी नतीजों के आधार पर और बुनियादी तर्क के आधार पर कम चलता है, खबरों पर ज्यादा चलता है, कवरेज नहीं है, इसलिए विशेष रूप जी से। गुरांग सर, एक आपसे ना व्यक्तिगत सवाल में पूछना चाहूंगा। वैसे तो देखिए, कम कवरेज करना यानी कि शेयरों पर ज्यादा ध्यान देना, कम शेयर हो अगर कवरेज करने के लिए ज्यादा ध्यान दे सकते हैं तो ये अच्छी चीज है और कहीं ना कहीं इसका फायदा निवेशकों को मिलता है। लेकिन क्या ये इत्तेफाक आज के दिन है या फिर आपने वाकई कुछ कवरेज ज्यादा ही कम कर दिया है? नहीं, ऐसा नहीं है। आज जो प्रश्न आ रहे हैं, मेरे ख्याल से वो छोटे छोटे और माइक्रो कंपनीज पे ज्यादा, स्मॉल एंड माइक्रो कैप, जी स्मॉल कैप एंड माइक्रो कैप पे ज्यादा आ रहे हैं इस वजह से। और जी जो गठन हुआ था नियम का 2016-17 में, हाँ रिसर्च एनालिस्ट रेगुलेशन एक्ट, उसके तहत हम पाबंद है किसी भी तरह की। लेकिन मैं डायरेक्ट मैं नहीं कह सकता हूँ बाय सेल एंड होल्ड, इनडायरेक्टली मैं कोशिश करता हूँ। अगर लोगों की बातों में समझ आ जाती है मेरी बात तो अच्छी बात है, लेकिन विशेष रूप में टिप्पणी नहीं कर सकता हूँ बिकॉज ऑफ रेगुलेशन। नहीं सर, बिल्कुल। दर्शक जो हैं आपको बहुत प्रेम देते हैं और आपसे आपकी जो भी सलाह होती है ना, विशेष टिप्पणी, उस पर अमल भी करते हैं और आप जो कहते हैं ना रीड बिटवीन द लाइंस वाली चीज़ें भी, उसको भी समझने की कोशिश करते हैं। तो आप बिल्कुल अपनी ये टिप्पणियाँ देते रहिए, कहते रहिए कि हाँ कवरेज नहीं है, फिर भी आप जो बोलते हैं वो बड़े काम की चीज़ होती है। लेवल्स तो हम समझ ही लेंगे, लेवल्स बताने के लिए हमारे पास जय भी आ जाएँ और जय की कवरेज में ज़रूर होगा शेयर ये। जय यस बैंक, 23.5 रुपये का भाव है, 20 के खरीद है, आप इसको कहां तक जाते हुए देख रहे हैं? अभिषेक जी, मेरी कवरेज में तो डेफिनेटली एवरी स्टॉक होगा अनलेस चलने के लिए तो पॉसिबल। बट ओवरऑल सिंस वो उन्होंने 20 रुपए के अराउंड यस बैंक को बाय किया, तो आई वुड सजेस्ट वो तो रिस्की इन्वेस्टर ही होंगे, ट्रेडिंग पर्सपेक्टिव से लिया होगा। बट यस बैंक की खासियत अभी ये चीज है कि वीकली चार्ट पर ये स्टॉक को हम देखें तो 100 डे मूविंग एवरेज के ऊपर कंटिन्यूसली ट्रेड कर रहा है और उसको डिसिसिवली ब्रेक नहीं कर रहा, तो ये बहुत अच्छा पॉजिटिव पॉइंट है। सो यस बैंक के लिए थोड़ा मेरा व्यू अलग होगा कि बाय करने की सलाह होगी, ये भाव से भी किसी को बाय करना हो अपसाइड के लिए काफी अच्छा मूवमेंट आ सकता है। 34 तक के टारगेट ये स्टॉक में दिख सकते हैं, काफी स्ट्रेंथ दिख रही है, क्योंकि यहाँ पर हम देखें तो ज्यादातर स्टॉक्स में जब 100 डे मूविंग एवरेज को ब्रेक करता है तो पोजिशनली ये स्टॉक काफी अच्छा मोमेंटम कैच कर लेता है और वीकली चार्ट पर ये पोजीशन कैच कर लिया, पिछले 6 वीक से ये कंटिन्यूअसली वो पोजीशन मेंटेन कर रहा है। सो इसीलिए मेरा व्यू काफी स्ट्रॉन्ग है यस बैंक के लिए। फंडामेंटल्स के लिए आई वोंट से, बट टेक्निकली मुझे काफी अच्छा लग रहा है ये स्टॉक फॉर वीकली चार्ट। ओके ठीक है, तो ये है सलाह यस बैंक पर।